देखो दो ट्यूनिंग फोर्क्स हैं ए एंड बी और चार बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रही हैं, तो डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी है इसमें? फोर। अब वो क्या कह रहे हैं, ऑन लोडिंग बी विद वैक्स, बी के ऊपर हमने वैक्स लगा दिया, वैक्स लगाने से फ्रिक्वेंसी का क्या हो जाता है? कम हो जाती है, तो कम होने से नंबर ऑफ बीट चार की जगह कितनी हो गई? छः। उसके बाद अगर मैं उस वैक्स को थोड़ा सा उतार दूं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी थोड़ी सी, पर वैक्स लगा हुआ है अभी भी, वैक्स लगा हुआ है तो उतार दिया वैक्स, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ गई तो नंबर ऑफ बीट्स कितनी हो गई इसमें? चार। तो कह रहा है फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, अगर ए की फ्रीक्वेंसी 256 है, देखो वो कंफ्यूज कर रहा है, वो बेसिकली दो केस नहीं बना रहा, वो कह रहा है पहले मैंने वैक्स लगाया फिर मैंने थोड़ा सा निकाल दिया, तो जब लगाया और फिर निकाल दिया हम फाइनल स्टेट ही लेंगे टोटल कैसे? ये देखो मतलब हमें ये मतलब नहीं है कि पहले उसने लगाया था फिर उसने हटा दिया था, हम यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं कि अब फाइनल वैक्स लगा कितना हुआ है, वैक्स तो लगा हुआ है ना, तो ओवरऑल तो बीट फ्रिक्वेंसी जो है वो जो फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज ही होने वाली है। तो एक काम करते हैं कि ए की फ्रिक्वेंसी अगर 256 है और शुरू में चार बीट्स हैं तो बी की फ्रिक्वेंसी या तो चार ज़्यादा होगी या चार कम होगी, पहला स्टेप क्लियर है? तो अगर ए की फ्रिक्वेंसी 256 है तो या तो चार ज़्यादा या चार कम, तो ये दो केस बन जाते हैं। पॉइंट नंबर वन क्लियर। इसके बाद वो कह रहा है कि हमने वैक्स लगा के थोड़ा हटा दिया पर ओवरऑल अभी भी वैक्स लगा हुआ है और फाइनली नंबर ऑफ बीट्स कितनी आ रही है उसमें? फिर से चार। छः को छोड़ दो क्योंकि छः का फायदा नहीं है, वैक्स लगाया फिर हटा दिया, हटाने के बाद अभी जो वैक्स लगा हुआ है वो नंबर ऑफ बीट्स कितनी दे रहा है? चार। क्या है पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो अब इस केस में अब ओवरऑल फ्रीक्वेंसी तो डिक्रीज ही होगी ना, क्योंकि वैक्स तो लगा ही हुआ है, चाहे कम लगा हुआ है वैक्स तो लगा हुआ है, तो इन दोनों में से आंसर एक काम करते हैं, वैक्स लगा हुआ, वैक्स लगाने से फ्रीक्वेंसी कम होगी, 252, 251, 250, 249, 248 एंड सो ऑन। तो क्या आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी ढूंढ सकते हो कि जो 256 के साथ आंसर फिर से चार दे? नहीं, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा इसमें ढूंढ सकते हो 260 में वैक्स लगेगा, ओवरऑल तो फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी, 259, 258 करते करते डिक्रीज हो रही है, तो क्या आप एक ऐसी फ्रिक्वेंसी ढूंढ सकते हो कि इसके साथ जो नंबर ऑफ बीट चार दे है इसमें 252, इन दोनों को माइनस करोगे आंसर क्या आएगा? फोर। इसका मतलब क्या आंसर मार्क करेंगे यहाँ पर? 260। तो हिट एंड ट्रायल समझ में आ रहा है कि चेक करके कैसे देखना पड़ेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अ ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 256, फिर से एक ट्यूनिंग फोक है फ्रीक्वेंसी 256 के बने, मेक्स 5 बीट्स पर सेकेंड विद वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ पियानो, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग बज साउंड प्रोड्यूस कर रही है, इधर से ट्यूनिंग फोक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों की बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है इसमें? 5। दी बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस टू 2 बीट्स पर सेकेंड, अगर पियानो की टेंशन बढ़ा दें, एक बात बताओ जब पियानो की स्ट्रिंग की टेंशन बढ़ेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, क्यों? फ्रीक्वेंसी क्या होती थी स्ट्रेच स्ट्रिंग में? 1/12 अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, टेंशन बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, तो वैक्स लगाने से स्ट्रिंग की या ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी कम होती है, फाइलिंग करने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ये चीज़ें याद रखनी है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब एक चीज़ बताओ मुझे, इस केस में वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी 256 है ट्यूनिंग फोक की और 5 बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 5 बीट्स प्रोड्यूस किया जा रहा है स्ट्रेच स्ट्रिंग के साथ, तो स्ट्रेच स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है या तो 5 ज़्यादा होगी या फिर 5 कम होगी, इन दोनों में से एक आंसर है। अब मुझे पता है कि अगर मैं इन ये स्ट्रिंग की है, ये जो फ्रीक्वेंसी किसकी आई? स्ट्रिंग की है, इन दोनों में से एक आंसर मार्क करना है। उसने कहा टेंशन बढ़ गई, टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, हमने देख लिया कम तो होएगी नहीं, और फिर नंबर ऑफ बीट्स कितनी आनी चाहिए इसमें? सिर्फ 2। बढ़ाओ टेंशन, बढ़ाओ टेंशन, बढ़ाने से 262 हो सकती है, 263 हो सकती है, 264 हो सकती है एंड सो ऑन। तो बताओ क्या इसके साथ इसका डिफरेंस जो है वो 2 आ सकता है? कभी नहीं आएगा, इस केस में आ ही नहीं सकता। इसमें आ सकता है, बढ़ाओ टेंशन, 252, 253, 254 आ सकता है, देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, 2। इसका मतलब आंसर क्या मार्क करेंगे? 251। समझ में आ रहा है कैसे देखना है इसमें? तो नोट कर लो, इसमें लिखा नहीं हुआ ये वाला स्टेप, ये बना लो इसमें टेबल। तो सोचना कैसे समझ में आ रहा है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैक्स लगाने से क्या होगा, फाइलिंग से क्या होगा, टेंशन बढ़ाने से क्या होगा, सारा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है यहां तक?
पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे सोचना है इसमें? अच्छा मेन चीज़ वही, क्वेश्चन तो वही है, घुमा फिरा के कभी वैक्स लगा देगा, कभी फाइलिंग कर देगा, कभी कुछ कर देगा, कभी पानी लगा देगा, कभी टेप लगा देगा। अभी आएगा टेप लगा दी मैंने ट्यूनिंग फोक पे, तो वो ठीक तरह मूव नहीं करेगा, फ्रिक्वेंसी विल डिक्रीज, बस यही, बाकी सब कुछ सेम है। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, रिपीट है, ये खुद होमवर्क लिख लेना, ये कर लो सेट ऑफ है, तो एनसीईआरटी का आया हुआ, ये नीट और उसमें जो है आया हुआ है, मेंस में कहीं ना कहीं मैंने देखा है इसको, आता है, पढ़ लो क्वेश्चन। सेट ऑफ 24 ट्यूनिंग फोक्स आर अरेंज इन सीरीज, एक के बाद एक लगाते जा रहे हैं, ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, इफ ईच फोक गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड विद प्रीसीडिंग वन एंड लास्ट साउंड द ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब होता है डबल, तो लास्ट की फ्रीक्वेंसी पहले ट्यूनिंग फोक से डबल है, तो कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी बताओ पहले और आखिरी ट्यूनिंग फोक की। तो रूल नंबर वन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू पहले की, दूसरे की कितनी है, 4 बढ़ा दो, उसने ये नहीं कहा कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, 4 बढ़ा दो कितनी होगी, न्यू प्लस 4, नेक्स्ट की 4 और इंक्रीज कर दो, न्यू प्लस 8, और इंक्रीज करो 12, और इंक्रीज करो 16 एंड सो 24 हैं। तो नॉन मेडिकल वाले जानते हैं न्यू प्लस 4, न्यू प्लस 8, जैसे पहली ये, सेकेंड ये, सेकेंड की फ्रीक्वेंसी ये, थर्ड में उन्होंने क्या किया, इसको ऐसे लिखा 1 × 4 मेडिकल वालों के लिए, तो ये क्या है 2 × 4 = 8, नेक्स्ट का क्या होगा 3 × 4, तो ये थर्ड है, ये फोर्थ है, करते करते 24th का क्या होगा 23 × 4, ये एपी आप जानते हैं कैसे करना है, तो ये आपकी आखिरी फ्रीक्वेंसी। तो कुछ ना करो यार, अपने उंगलियों पे ऐड ही करते जाओ, 4-23 बार ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ गया, ये आखिरी है, ये पहली है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, आखिरी फ्रीक्वेंसी पहली से डबल है, डबल है, तो उसके बाद सॉल्व करके क्या आएगा फ्रीक्वेंसी, तो पहली आ गई, आखिरी भी आ गई, वैल्यू पुट करके आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर इट वॉज फाउंड दैट अ ट्यूनिंग फोक एंड सोनोमीटर वायर गेव 5 बीट्स पर सेकेंड। देखो सोनोमीटर स्ट्रेच स्ट्रिंग है, और एक ट्यूनिंग फोक बजा दिया, सोनोमीटर की स्ट्रेच स्ट्रिंग ले ली, दोनों को बजाया, साउंड जनरेट हुई, नंबर ऑफ बीट्स कितनी जनरेट हो रही है, 5। Both when length of the wire is 1 meter and 1.0505 meter, तो length इसमें change कर रहे हैं L1 और L2। Calculate frequency of the folk, folk की frequency कितनी है बताओ? एक length पता है, दूसरी length पता है। Sonometer क्या होता है? Stretch string में frequency क्या होती है? 1/2L under root of T by mu, तो frequency inversely proportional to length, तो ये term आ गई, तो यहाँ से ratio आ गई nu1/nu2 L2/L1, ठीक है यहाँ तक। अब question में एक चीज देखो, जो सेकेंड लेंथ है ना, सेकेंड लेंथ वो फर्स्ट से बड़ी है, तो लेंथ जब हमने इंक्रीज की होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई होगी, डिक्रीज, ठीक है। तो लेंथ इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 5 बीट्स जनरेट होती हैं जब दोनों जो है साउंड करते हैं, तो अगर न्यू ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी है तो स्ट्रेच स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी या तो 5 ज्यादा होगी या 5 कम होगी, दोनों में से एक होगा। अब ज्यादा वाली जो फ्रीक्वेंसी है, ज्यादा वाली, तो ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी कब किसके साथ एसोसिएट करनी पड़ेगी, जिसकी लेंथ कम है, और कम वाली फ्रीक्वेंसी जिसकी लेंथ ज्यादा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो यानी कि ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ 1 मीटर, कम वाली फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1.05, पुट करके नहीं आ जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब सोनोमीटर सुनकर ये नहीं कह सकते कि हमने सोनोमीटर किया नहीं है, स्ट्रेच स्ट्रिंग के साथ ही कर देंगे, ठीक है यहाँ तक। जैसे ये इजी क्वेश्चन है, आप इसको कर लेना, ये क्वेश्चन देख लो सोनोमीटर का फिर से।
देखो, टू पार्ट्स ऑफ सोनोमीटर वर डिवाइडेड बाय अ मूवेबल नाइफ डिफर बाय 2 mm एंड प्रोड्यूस 1 beat per second व्हेन साउंडेड टुगेदर. फाइंड देयर फ्रीक्वेंसीज इफ होल लेंथ ऑफ द वायर इज 1 meter. तो लेंथ ऑफ द वायर 1 meter है. एक नाइफ ले लिया, नाइफ ने ना क्या किया, इस सोनोमीटर की तार को दो हिस्सों में बांट दिया, L1 और L2. टोटल लेंथ ऑफ द वायर 1 meter है. तो L1 प्लस L2 कितने है? 100 centimeter है. अब वो क्या कह रहे हैं, जो डिफरेंस ऑफ लेंथ है वो 2 mm है. तो जो ये चाकू है L1 L2 है, तो L1 माइनस L2 या L2 माइनस L1 कितने है? 2 mm है. दो इक्वेशन है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके L1 L2 आ जाएगा. L1 L2 आ गया इसमें. अब वो कह रहे हैं कि जब दोनों यहाँ पर और यहाँ पर अलग अलग साउंड जनरेट करेंगे तो नंबर ऑफ बीट्स हैं 1. तो मान लो L1 के अंदर new 1 है, L2 के अंदर new 2 है, डिफरेंस कितना है? 1. अब फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है. तो पहले वाले लेंथ में फ्रीक्वेंसी new 1 है, लेंथ L1 है, new 2 है, L2 है. लेंथ की वैल्यू हमें गिवन है, new 2 बाई new 1 आ गया. new 2 बाई new 1 की दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व करके new 2 new 1 कैन बी कैलकुलेटेड. ठीक है यहाँ तक? तो बेसिक प्रॉब्लम्स है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने देखनी है एक बार. इसको कर लो प्लीज. Calculate speed of sound in gas in which two sound wave of wavelength 1 meter and 1.01 meter produce 24 beats in 6 seconds. देखो एक चीज समझो,
क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ साउंड वी निकालना है इसमें. साउंड वेव और वेवलेंथ 1 एंड 1.01 प्रोड्यूस 24 बीट्स. एक बात बताओ, जो इसमें वेवलेंथ दे रहा है और नंबर ऑफ बीट्स क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस. तो एक काम क्यों नहीं करते, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना है 24. अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है पर सेकंड, उसे 6 सेकंड में दिया, आप 6 से डिवाइड करके पर सेकंड निकाल लो. देखो 24 बीट्स इन 6 सेकंड, जबकि फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 सेकंड की काउंट की जाती है. तो 24 को 6 से डिवाइड करके डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई पहली क्वेश्चन. अब फ्रीक्वेंसी होती क्या है, v बाय लैम्डा. पहले केस में लैम्डा पता है, दूसरे केस में लैम्डा पता है, सॉल्व करके v आ जाएगा. डन, ठीक है यहां तक. तो इसमें ना आप एक चीज नोट करना, प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तो है ही नहीं वेव्स में, प्रॉब्लम तो क्वेश्चन की समझने की है. ये पढ़ो, कॉलम ऑफ एयर. ये कॉलम ऑफ एयर क्या होता है, एयर कॉलम याद है, पाइप के अंदर जो एयर है उसमें नोड एंटी नोड बनते हैं, उसको एयर कॉलम बोलते हैं. एंड ट्यूनिंग फोक, ऊपर से रख दिया ट्यूनिंग फोक. तो एक फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोक की, एक फ्रीक्वेंसी एयर कॉलम की. वो कह रहे हैं इस दोनों साउंडेड टुगेदर, ट्यूनिंग फोक गिव्स लोअर नोट, ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी कह रहे कम है. टेम्परेचर ऑफ एयर अभी कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस. वेन टेम्परेचर फॉल्स टू 10, टेम्परेचर गिर दिया 10, टू प्रोड्यूसेस 3 बीट्स पर सेकेंड. तो नंबर ऑफ बीट्स पहले कितनी थी, 4. कब, 15 डिग्री सेल्सियस पे. 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, टेम्परेचर गिरने से नंबर ऑफ जो बीट्स हैं वो 3 रह गई. फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक निकालनी है. तो रूल नंबर 1, 15 डिग्री सेल्सियस पे अगर मान लो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो एयर कॉलम की क्या होगी, या तो 4 ज्यादा या 4 कम, पर यहां पर 4 ज्यादा ही होगी. उसने कहा ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी कम रखनी है, तो इसका मतलब एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी क्या रखनी पड़ेगी, 4 ज्यादा, एट 15 डिग्री सेल्सियस. दूसरा केस 10 डिग्री सेल्सियस पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे नंबर ऑफ बीट 4 की बजाय कितनी है, 3. तो ये कितने है, 3. तो सेकेंड केस है इसमें. अब एक काम करते हैं, 15 डिग्री सेल्सियस पे वी इज न्यू लैम्डा, 10 डिग्री सेल्सियस पे वी इज न्यू लैम्डा, इन्हें डिवाइड करके ये टर्म आ गई. अब जो वेलोसिटी होती है साउंड की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंपरेचर होती है. 15 डिग्री सेल्सियस पे ये टेंपरेचर है, 10 डिग्री सेल्सियस का ये टेंपरेचर है. तो आपको फ्रीक्वेंसी और ये इस इक्वेशन को सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब सॉल्व करने का तरीका देख लो, इसमें क्या यूज किया. ये ना काफी बड़ी कैलकुलेशन है. कोई कहेगा कैलकुलेशन क्या बड़ी, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर लगा देंगे आंसर, मिलते जुलते से है, 1 का अंडर रूट तो 1 ही है. इतना नहीं करना आपने. वेव्स के अंदर नॉर्मली आप सॉल्यूशन में देखेंगे बाइनोमियल बहुत लगाता है, वो क्या करता है 288 by 283 रेज़ टू पावर हाफ को क्या करता है, 288 को 283 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा 1, ये टर्म आ गई. तो नॉन मेडिकल के लोग जानते हैं फर्स्ट वो बाइनोमियल, इसको मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा, मेडिकल में नहीं आएगा. ठीक है यहाँ तक. नॉन मेडिकल में स्टेप समझ में आ रहा है कि कैलकुलेशन अप्रॉक्सीमेट कैसे करनी है बाइनोमियल के साथ. ठीक, तो ये थी आपकी बीट्स.